हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, करण चौहान नाम का एक जादूगर जिसने हुनरबाज शो पे परिणीति मैम के साथ टिक टैक टो गेम के ऊपर मतलब उसके साथ रिलेटेड एक मैजिक दिखाया था और वो बहुत ही लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मतलब वो दोनों एक टिक टैक टो गेम खेलेंगे और उसके बाद कुछ अच्छा सा रिवील हो जाएगा। ठीक है, मतलब टिक टैक टो को घुमाने के बाद, तो आज मैं लगभग वही मैजिक आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त है अमित। अमित एक बार हेलो बोल दो। हेलो। ओके, तो अमित मेरे पास एक प्रेडिक्शन है और मैं ये आपको भी दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी देखो, ये रहेगा इधर। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि भाई अमित आपका दोस्त है, आप खेल रहे हो टिक टैक टो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अमित को सिखाया और अमित हूबहू वही करेगा। लेकिन दोस्तों, यही तो मजा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और पूरा समझोगे तब आप भी कर पाओगे ये चीज और दुनिया के किसी भी इंसान के साथ। तो चलिए शुरू करते। अमित, रेडी हो तुम? हाँ। टिक टैक टो खेलना आता है ना? बिल्कुल। ओके, तो जीतना भी है। ठीक है, तुम पूरा कोशिश करना कि तुम जीतो। ओके, कोई भी मतलब, मैं मैजिशियन हूं इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुझे जीतने दो। ओके, तो अब मैं पहले जाऊंगा क्योंकि ये मेरा रूल है। ठीक है, अब तुम्हारा बारी, दिखाओ तुम कितना अच्छा खेल सकते हो। ओके, तो अब तुम इधर कहीं भी दो, कहीं भी, कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने तुमको गुमराह करने का कोशिश किया लेकिन तुमने मुझे जीतने दे दिया, लेकिन मैं भी तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो ये है मेरा दान और तुम अब चालो अपना दान। कहाँ पे? अरे शाबाश, क्या बात है, ये लो। और तो मुझे जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि अमित और मैं दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा ये गेम, क्योंकि ये गेम तो टाई हो गया। ठीक है, और दो तीन बार खेलने के पर शायद मैं अमित को हरा दूं। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, लेकिन वो कभी बाद में करेंगे। तो इस खेल को खेलने से पहले मैंने एक प्रेडिक्शन दिखाया था आपको। ठीक है, तब वही इसको खोलेंगे और इसे खोलने के बाद आप लोग देख पाओगे कि ये एकदम 100% मैच हो गया। 100% ओके, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि भाई ये इधर नहीं है, वो उधर नहीं है, पूरा एकदम 100%। तब ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते कैसे मैंने ये मैजिक किया और करण चौहान वो भी हुनरबाज शो में इस मैजिक को ही दोहराया। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो टिक टैक टो का प्रॉप था वो एकदम क्लियर बोर्ड पे होता है और हर एक बोर्ड अलग से लगा हुआ होता है और उसके पीछे एक पिक्चर होता है। अब आप अगर इस मैजिक को पूरा सीखोगे तो आप लोग जान पाओगे यही होगा, यही आंसर आएगा। तो ये एकदम कॉमन सा बात है, अगर हर पीस अपने अपने जगह पे ठीक से बिठाया जाए तो उसको पलटने के बाद उसके पीछे जो पिक्चर है वो रिवील होगा और वो एकदम इंटैक्ट होगा। ओके, तो यही है। लेकिन मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं कैसे ये आंसर आएगा, ऑलवेज आएगा। ये आप एक बार बना के अपने वॉलेट में रख देना। ठीक है, तो उसके बाद आप दुनिया के किसी के साथ भी खेलो। हाँ, उसमें एक रूल है कि उस बंदे को टिक टैक टो खेलना आना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि वो बंदा खेल नहीं सकता और वो कहीं पर भी दान दे दे। ओके, तो अब शुरू करते हैं इसका जो बढ़िया चीज है उससे, कि मैजिशियन पहले खेलेगा इसमें। ठीक है, मैजिशियन जो है वो एकदम बीच में देगा। अब अगर कोई इंसान टिक टैक टो खेलना जानता है और उसे पता है कि टिक टैक टो कैसे खेलते, तो वो बंदा 1 2 3 4 इस 4 पॉइंट पे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस 4 पॉइंट पे देने का कोई भी फायदा नहीं है, वो बंदा जीत नहीं पाएगा। तो उस बंदे के पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मानिए कि वो बंदा इधर दे दिया या फिर इधर या फिर इधर या फिर इधर, कहीं पर भी दे एकदम एग्जैक्ट वही होगा। ठीक है, वो बंदा मान लीजिए इधर दे दिया, तो आपको जो है वो दिमाग में इसको घुमा लेना है। ठीक है, तो मतलब अगर इसको ऐसे घुमाए तो आप देख सकते हो अमित ने भी कुछ ऐसे ही दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कहां पे दे रहा है, तो आप अभी इधर दो। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूं आपको, मान लीजिए दे दिया, तो आप अभी उल्टा दो इधर। अब ये दो देने के बाद ये अब ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, वो बंदा जहां पे देगा आप उसके ऑपोजिट साइड पे दोगे, आप जहां पे दोगे ये बंदा उसके ऑपोजिट साइड में देगा। यही होगा, कोई भी किसी को जीतने नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए, नेचुरल सा बात है कि वो बंदा अगर खेलना जानता है तो वो इधर तो इधर ही देगा, क्योंकि अगर उधर कुछ दिया तो आप जीत जाओगे। तो ठीक है, तो ये बंदा उधर दे दिया, अब लॉजिकली आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको भी जीतने ना दो। तो आपने दे दिया इधर, अब उस बंदे का फर्ज बनता है कि वो आपको जीतने ना दे,
तो वो बंदा देगा इधर, अब आपका फर्ज है कि आप उसको जीतने ना दो इधर, और वो उसका फर्ज है कि वो आपको जीतने ना दे और इसको इधर देगा। और ऐसे ही ये गेम पूरा आप लोग देख सकते हो 100% एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आप किसी की एंगल पे आप लोग सोच सकते हो, कहीं पर भी वो बंदा अपना पहला दान दे सकता है, लेकिन आपको सिर्फ दूसरा दान समझ के देना है और उसके बाद एक के बाद एक आता ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये था इस बढ़िया से मैजिक के पीछे का सीक्रेट। अब हाँ एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको टिकटॉक खेलने में और ऑलवेज जीतना है तो मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस वीडियो को देखो। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आप 10 में से 9 बार जीत ही जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही मजेदार चीज सीखते रहिए।